हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं GDS का जो पे स्लिप था 2022 सितंबर का, उस समय कितना था, और 2023 का जो सितंबर है उसका पे स्लिप कितना बना था GDS BPM का, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो ये देखिए, मेरा ही पे स्लिप है। हम आपको एग्जाम्पल देकर समझाना चाह रहे हैं कि 2022 का जो सितंबर में मेरा पे स्लिप बना था, यानी बेसिक सैलरी कितना था, उसके बाद ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस कितना था, डियरनेस अलाउंस कितना था, कितना डिडक्शन पहले होता था, और करेंट में अभी 2023 में डिडक्शन कितना हुआ, कितना नेट सैलरी बना है, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, पिछले साल 2022 में मेरा बेसिक TRCA कितना था, TRCA मतलब बेसिक सैलरी, यानी TRCA टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस जो था, TRCA समझ सकते हैं, 12,740 रुपया था, और डियरनेस अलाउंस 4,332 रुपया था, ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस 500 रुपया था, और SDBS 300 रुपया डिडक्शन हुआ, और PLI का 895, EDGIS 50 रुपीस, और टैक्स कटा 130, यूनियन का 10 रुपया। तो ओवरऑल कितना सैलरी बन गया सब जोड़ के, 16,187 रुपया, यानी कि यहाँ पे जो टोटल ऐड होके हो रहा है 17,572 रुपया, पूरा डिडक्शन हो करके नेट सैलरी कितना बना, 16,187 रुपया। अब इसमें देखिए क्या होता है, उस समय कितना था, 12,740 रुपये बेसिक सैलरी था, 12,740 रुपये बेसिक सैलरी, और उस समय सितंबर में DA कितना था, 34%, तो इसका हम DA निकाल लेते हैं, 4,332 रुपया, यानी 31.06 रुपया, यानी 32 रुपया, उसमें से हम अपना डियरनेस अलाउंस जोड़ देते हैं, 12,740 रुपया, टोटल कितना हो गया, 17,071 रुपया, प्लस ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस में 17,571 यानी 72 रुपया होना चाहिए था, और यहाँ पे है भी, यानी कि 34% पिछले साल DA था सितंबर में, 34%, ठीक है। और मेरा बेसिक सैलरी कितना था, 12,740 रुपया। मेरा ज्वाइनिंग एक्चुअली में हुआ था जून 2020 में, उसके बाद क्या हुआ, दो इंक्रीमेंट लगा, यानी 3% 3% 2 साल लगा, ठीक है, एक बार 2021 में, एक बार 2022 में, यानी कि हर साल क्या होता है, 3% बेसिक सैलरी में इंक्रीमेंट होता है, यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे 12,000 है, 12,000 का 3% निकालेंगे तो 360 रुपीज़ मिलेगा, उसी तरह दो इंक्रीमेंट लगा है तो उसी तरह प्लस कर देंगे 12,000, ठीक है, 12,000 का 3% डिवाइडेड बाय 100, यानी 720 रुपीज़ कितना लगा, ये मेरा बेसिक सैलरी बढ़ा, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट मिलता रहेगा, यही नहीं है, 12,000 जो बेसिक सैलरी है उसी में एडिशन होता है, ठीक है, फिर जितना इंक्रीमेंट लगेगा उसका एडिशन होता रहेगा, यानी कि मान लेते हैं जब 12,000 कर देंगे इंटू 3/100, 1,080 रुपीज़, यानी 3 बार इंक्रीमेंट होने पर इतना रुपया बढ़ेगा, 1,080 रुपया। तो अब हम बात करेंगे इस साल का, ठीक है, इस साल का बात करेंगे, यानी देखिए 2023 का, इस बार क्या हुआ, 1,000, यानी इस बार क्या हुआ, 13,130 रुपया मेरा बेसिक सैलरी हो गया। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, इसमें 12,000 अगर एडिशन कर दे तो 13,080 रुपया हो रहा है, यहाँ पे डिडक्शन कर दे तो 13,130 रुपया से, यानी 50 रुपया कहाँ से आ गया, आई डोंट नो, बट इस बार आफ्टर थ्री इंक्रीमेंट कितना, 30 रुपया बेसिक TRCA और TRCA हो गया। और अभी फ़िलहाल आपको मालूम ही होगा कि अभी 42% अभी DA मिलता है, तो अभी 13,130 का 42% DA निकालेंगे तो कितना होगा, 5,514 रुपया 6 पैसा, यानी कि 5,515 रुपया होना चाहिए, उसमें से हम अगर 13,130 रुपया ऐड कर दें तो कितना, 18,644 रुपया बन रहा है, प्लस 500 ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस, यहाँ पे देखिए 19,145 रुपया हो रहा है इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे 19,145 रुपया हो रहा है, और यहाँ पे राउंड फिगर में कितना, 19,144.6 पैसा है, तो यानी कि 19,144 यानी 45 रुपया हो गया, ठीक है, 19,145 रुपया हुआ। और यहाँ पे अंतर क्या हो रहा है कि यहाँ पे 3 इंक्रीमेंट होने के बाद, यानी जो 2020 में ज्वाइनिंग किए थे, 2020, 2021, 2022, 2023, 2022 का हम कंपेरिजन करके दिखा रहे हैं, यानी एक साल पहले, तो उस समय 34% DA था, अभी 42% DA, यानी 8% DA इंक्रीमेंट हुआ इन 1 ईयर, उसके बाद सब कुछ सेम ही है। देखिए DA बढ़ने से क्या होगा, यहाँ पे आपका एक सेकंड, 332 रुपया, और यहाँ पे DA कितना मिल रहा है, 5,515
15 रुपया, एक मिनट ऐड करके देखते हैं, 5,515 रुपया माइनस 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 है 4,332 रुपया, 4,332, यानी 1,183 रुपया आपका डीए बढ़ रहा है एक साल में। ठीक है, अगर 8% इंक्रीमेंट हुआ तो ठीक है, कभी कभी 10% भी इंक्रीमेंट हो जाता है, कभी 7%, कभी 6%, डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कि देश का आर्थिक स्थिति कैसा है, कंडीशन कैसा है, वो सब डिपेंड करेगा। और एसडीपीएस और एसडीबीएस का कंट्रीब्यूशन 300 है, वो पहले भी था अभी भी है। मेरा पीएलआई कटता है 895 रुपया का, और एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल जनरल इंश्योरेंस जो है 50 रुपीज़ का कटता है, और टैक्स 130, और यूनियन का 10 रुपीज़ कटता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ग्रॉस सैलरी कितना हो रहा है, 19,145 माइनस 19,145 माइनस 17,572 रुपया, यानी 1,573 रुपया का डिफरेंस आ रहा है एक साल में। ठीक है, एक साल ड्यूटी करने पर आपको कुछ जाता नहीं है, इससे क्या होगा आपका सीनियरिटी भी बढ़ता रहेगा, प्लस आपका जो ये बेसिक सैलरी बढ़ता रहेगा, मतलब ये जो सैलरी जो बढ़ता है, बोलते हैं कि सैलरी बढ़ता है कि नहीं ईच ईयर, 1,573 रुपया ये बढ़ गया, ये फालतू का पैसा है। ठीक है, जबकि सब एक ही समान काम करता है, ये है कि थोड़ा सीनियर हो गया, एक जूनियर है, जो नया नया रिक्रूट होके आएगा वो लोग का 12,000 स्टार्टिंग होगा। अभी मान लेते 46% डीए है, सॉरी 46% डीए है, अभी का कितना हो गया, जो करंट में आएगा तो 5,520 रुपया उसका डीए बनेगा, प्लस उसका बेसिक सैलरी 12,000 है प्लस 500, तो उसका 18,020 रुपया अभी बनेगा। लेकिन हम सेम पोस्ट पे काम कर रहे हैं तो मेरे साथ क्या होगा, 13,130 × 46/100, यानी कि 6,039 रुपया 8 पैसे, यानी 6,040 रुपया मेरा डीए सिर्फ बन रहा है। उसके बाद 13,130 + 500 19,669 रुपीज़ 8 पैसा मिला, यानी कि 19,670 रुपीज़ बना, इतना बन गया। ठीक है, डीए बढ़ने से क्या क्या चीज़ हो रहा है वो आप देख सकते हैं, डीए बढ़ने से बहुत कुछ। देखिए अभी अभी करंट सिनेरियो को देखते हुए, देखिए 19,145 है ना, 524 रुपया का डिफरेंस आ गया, कुछ किए नहीं, बस अभी तक बेसिक सैलरी बढ़ा नहीं है, बस डीए का डिफरेंस के वजह से देखिए 524 रुपया का डिफरेंस आ गया। और जो आदमी कमीशन पे, देखिए बीपीएम मेनली जो है कमीशन पे जिंदा रहता है, तो कमीशन अगर उसको अच्छा खासा मिल गया तो ये सब सैलरी ऐसे ही, ये सब गिफ्ट सोचिए, सैलरी के रूप पे एक गिफ्ट, सैलरी के नाम पे एक गिफ्ट मिल रहा है बीपीएम। ठीक है, इतना पैसा तो वो समझिए उसके पैकेट में रहेगा, बहुत सारे कमीशन मिलता है तो उस पर लोग जिंदा रहता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि एक साल का डिफरेंस की वजह से कितना आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है, एक बार फिर से आपको रिकॉल करा, 19,145, उसके बाद 17,572 माइनस करना पड़ेगा, 17,572 1,573 रुपया का डिफरेंस आ गया सिर्फ सैलरी के मामला की बात कर रहे हैं। ठीक है, डीए बढ़ने से और ज़्यादा बढ़ता है। और ये भी बात बता देते हैं कि जब हम स्टार्टिंग में ज्वाइन किए थे तो मुझे कितना मिला था, 12,000 का, तभी 28% डीए था आई थिंक सो, प्लस 12,000 प्लस 250 रुपया ही मुझे ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस मिला, और इसमें से बहुत सारे कट ही गया, उसमें से हम मेरा कितना कट गया, 895 रुपया कट गया था, माइनस 130 रुपीज़, माइनस 10 रुपीज़, मुझे इतना 14,075 रुपया मिला था। अभी कितना सब कुछ कट के आ रहा है, देखिए कितना हो रहा है, माइनस 19,145 अप्रोक्सीमेटली 5,000 का डिफरेंस आ गया। तो ये सब हाइक देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस आता है विद इन शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, इसीलिए बोलते हैं कि ये सब चीज़ देखना नहीं चाहिए कि कब कौन पोस्ट है, आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। ज्वाइन करने से क्या होगा, आपका सीनियरिटी भी बढ़ेगा, प्लस आप प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, एंड डीए तो बढ़ ही रहा है, एंड बेसिक सैलरी भी बढ़ रहा है, तो ओवरऑल आपको फ़ायदा ही मिलेगा अगर आप जितना जल्दी ज्वाइन करेंगे। इसलिए ज़्यादा सोचना नहीं है, जस्ट ज्वाइन एंड
टेक एडवांटेज फ्रॉम डिपार्टमेंट। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो लॉन्ग हो गया है, अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको कैलकुलेशन करके बता दिए हैं। आई होप आपको समझ ही आया होगा, नहीं आया तो फिर कमेंट करके पूछिए, कोशिश करेंगे फिर से आपको समझा देने का। सो बाय बाय।